हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल राम राम जी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया था गरबा वाला। तो इसी मेकअप लुक को देखने के लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा, जिसका नाम है मिडिल क्लास ब्यूटी। तो आप लोग वहाँ जाके सर्च करके देखना, आपको ये मेकअप मैंने कैसे किया दिख जाएगा। बहुत अच्छा मेकअप था, बहुत ही ईजिली आप क्रिएट कर सकते हो, तो ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलो अब करते हैं शुरू ब्लॉग। हेलो गाइज, हमारे यहाँ आज मौसम ख़राब हो गया है। हम और मैं मौसम का मजा ले रहे हैं। हम और मैक्स पेट के मौसम का मजा ले रहे हैं। मैं सर्च कर रहा है कि कौन है। मैं मेरी तुलसी माता सूख गई। बारिश हो रही है, बारिश आवाज आ रही होगी। ओहो ओहो, अंदर बैठो, थोड़ा भीग जाओगे, ठंडी खा जाओगे। आओ इधर इधर बैठो। कैसे बैठ के देख रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है पूरा। अब अंदर, पहले तो इतना चिल्लाएगा वैसे, और इसके बाद डर जाएगा, डर के पीछे बैठ जाएगा मेरे। देखो ये है डरपोक कुत्ता मेरे घर का। मेरे घर का एक है डरपोक कुत्ता, पहले तो बहुत बहादुरी से जाता है, फिर पीछे आगे बैठ जाता है। वो छाने पड़ रही हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल राम राम जी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज जो है हमारे नैनी का जो है मेला है, तो मैं जो हूँ कुछ तैयारी कर रही हूँ, कुछ बनाने और नानी की थोड़ा बहुत। टीवी धीमा कर दीजिए थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा दही बड़ा बना रही हूँ, और पूड़ी हो सकता है बनाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी। और आपको पता ही, तबीयत तो ख़राब चल रही है, गाना बज रहा है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, वॉइस ओवर ही करेंगे तो। और अभी मैं कढ़ाई चढ़ाई जा रही हूँ मीठी चटनी बनाने, गुड़ की। और फेस आप देख सकते हो, मेरे तो थोड़ा गला फंस रहा है थोड़ा मेरा। तो फिर इस यहाँ पर चलिए चलते हैं। जब पुराने गाने बजाते हैं, रख देती हूँ खोलने के लिए। जैसे ही पानी खोल जाएगा तो उसमें गुड़ डाल देंगे, और इसके बाद जब वो गुड़ एकदम पिघल जाएगा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, इसके बाद उसमें सौंफ, जीरा और हल्की सी राई, इन्हीं सब चीज़ों का जो है तड़का लगाना है। उसके बाद हमारी चटनी जो है बन के रेडी हो जाती है। चटनी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मैंने उड़द की दाल जो है भिगोई थी, और बड़ी अच्छी दाल रखी है, लेके आए थे बिना छिलके वाली दाल थी, तो मज़ा आ गया, मतलब छिलका नहीं निकालना पड़ेगा। तो इसको भिगो के मैंने इसको पीस लिया था मिक्सर में, बिना पानी डाले एकदम गाढ़ा पेस्ट पीसना, और इस तरह से इसको जो है बना लेना है हाथ में हल्का सा पानी लगा के, और इस तरह से बना लेना है। ये बन जाएगा बहुत ही ईजिली, बड़े जो है बन के रेडी हो जाएंगे। बस आराम से इसको जो है दही बड़े बना के खा सकते हो। अभी मैं लास्ट में दिखाऊंगी कैसे मैं बड़े बनाती हूँ। तो ये देखो पानी में भी होती जा रही हूँ लगे हाथ में, ताकि ये फूलता भी जाए, खाने के लिए रेडी रहे।
हाँ तो फ्रेंड्स, बहुत मिला उल्ला मैंने घुमा दिया आप लोग को। चलिए अब आप लोग को कराते हैं डिनर। तो यहाँ पे बड़े को मैंने पानी में भिगोने के बाद दही में भिगो दिया था, और आप देख सकते हो उसको मैं निकाल रही हूँ, लगा रही हूँ, दही बड़े बना रही हूँ अपने लिए, मम्मी के लिए, इनके लिए, सबके लिए बना रही हूँ बारी बारी से। और खाने में मैंने पूरी बनाई थी और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और कुछ भी कचौड़ी बनाई थी, तो वही सब खाना निकाल रही हूँ। आप लोग भी आ जाइए फटाफट से, दही बल्ले और पूरी कचौड़ी खाने किस किस को पसंद है, दही बड़े मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे तो बहुत पसंद है। और वीडियो मेरी कहीं भी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि मैं और भी वीडियो डालूँ। तब तक के लिए बाय, टाटा।